हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो शांति निकेतन के अंतर्गत आती है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि शांति निकेतन को लेके मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर BFA बैचलर इन फाइन आर्ट का एंट्रेंस का एग्ज़ाम कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, क्या क्या आता है, मैं उस सब चीज़ों को लेके बताई थी। और साथ ही कहा था कि शांति निकेतन में कि जैसे कि इंटरव्यू होता है और जो एडमिशन होता है वो प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आप लोग का लगातार कुछ दिनों से काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हाँ मैम नेक्स्ट वीडियो बनाइए। तो बेसिकली गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को वही बताऊँगी कि इंटरव्यू कैसे होते हैं शांति निकेतन में, या एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को लेके बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप शांति निकेतन में एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो शांति निकेतन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे, तो एटलीस्ट आप 3 डेज का टाइम ज़रूर लेके जाना, ठीक है। 3 डेज तो 100% लेके जाना, क्योंकि 3 डेज आपके वहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे। और क्यों लगेंगे ये मैं बता दूँ, जो फर्स्ट डे है आपका, फर्स्ट डे में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और सेकेंड डे में आपका रिजल्ट अलाउंस होगा कि कौन कौन से बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और थर्ड डे में आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका रिजल्ट है वो तुरंत नेक्स्ट डे ही, एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही अलाउंस हो जाता है। जबकि आप कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत रिजल्ट अलाउंस नहीं होता है, लेकिन एक शांति निकेतन ही ऐसा है कि जिसमें तुरंत अलाउंस हो जाता है नेक्स्ट डे ही, ठीक है। तो आपका तुरंत, इसीलिए आपको कह रही हूँ मैं कि 3 दिन का एटलीस्ट आपको समय लेके जाना ही होगा। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट डे आपका, आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगी तो आप लोग को वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि कल आप लोग इस कैंपस में या इस लोकेशन पे पहुँच जाइएगा, आप लोग का रिज़ल्ट अलाउंस होगा। जब आप लोग वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग पहुँचोगे उनके प्लेस पर जहाँ पर उन्होंने बोला है, वहाँ पर आप लोग का माइक के थ्रू अलाउंस करते हैं, आपका रोल नंबर बोलेंगे और आपका नाम बोलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पर रोल नंबर और नाम तो मेंशन रहता है, वही रोल नंबर और नाम बोला जाएगा जो फॉर्म पे डाला है, जो फॉर्म पे है आपके, वो बोलेंगे अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। उसके बाद वही सब बच्चों का फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा। तो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, देन अलाउंस होने के बाद फिर अगेन वो लोग बोल देते हैं कि हाँ इस जगह पे आपको पहुंच जाना है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो पहला दूसरा दिन निकल गया, अब तीसरा दिन आपका इंटरव्यू होगा। अब बात आती है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि सब लोग का यही रहता है कि हाँ इंटरव्यू में क्या लेके जाए, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि शांति निकेतन में इंटरव्यू में बहुत कुछ खास नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाता है आपके इंटरव्यू में। और यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका पोर्टफोलियो बनाना है वो क्या क्या होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है शांति निकेतन मगर इंटरव्यू के लिए। तो आपके पोर्टफोलियो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका स्केचिंग, जो लाइफ स्केच करते हैं वो 100% हो, क्योंकि वहाँ पर स्केचिंग को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो आपका स्केचिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, और वो भी लाइफ स्केच जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छी है, और प्लस न्यूड फिगर स्केच, ठीक है, न्यूड फिगर स्केच भी मैंने रखती है, तो आप वो भी अगर ले जाना चाहे, अगर आप बनाते हैं अगर आप, तो वो भी लेके जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये आपका स्केचिंग होना ही होना चाहिए, और प्लस कि स्टिल लाइफ, जैसे कि आपने जो जो मीडिया पे काम कर रखा है आप वो सब पेंटिंग लेके जाए, लाइक स्टिल लाइफ काम कर रहे हैं तो स्टिल लाइफ पे आप पेंटिंग लेके जाए, वाटर कलर पे लेके जाए, लैंडस्केप लेके जाए। और साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा कुछ काम करते हैं, लाइक जैसे पोस्टर कर रहे हो, कोई कैनवस कर रहे हो, या ऑयल पेंटिंग आप पहले से करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है कि ऑयल पेंटिंग कैसे किया जाता है या फिर एक्रेलिक कलर, तो अगर आप लोग पहले से करते हैं, आप लोग के पास वर्क है, तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि हाँ आपके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है। मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो क्या हुआ था मेरे, ठीक है, फर्स्ट दिन मैंने एग्ज़ाम दिया, सेकेंड दिन अलाउंस हुआ, थर्ड दिन मेरा इंटरव्यू था। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जब इंटरव्यू मैं देने गई थी तो मेरे इंटरव्यू से पहले
एक लड़की का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बारे में बेसिकली बताना चाहूँगी कि उनके इंटरव्यू में उसने क्या उस वो क्या लेके गई थी अपने पोर्टफोलियो में, वो मैं बता दूँ। तो गाइस वो बहुत सारा वर्क लेके गई थी, मतलब लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ स्केचिंग ही नहीं लेके गई थी, स्केचिंग, स्टिल लाइफ, वाटर कलर, ये सब तो साथ में लेके गई ही गई थी, साथ ही उन्होंने मिनिएचर वर्क लेके गई थी। शीशे पे जो पेंटिंग होती है वो शीशे का वर्क लेके गई थी, कपड़े पे जो पेंटिंग की जाती है वो भी लेके गई थी, और साथ ही उन्होंने टेक्सटाइल जो वर्क होता है, जो बुटीक का काम होता है, वो भी जो पेपर पे काम जैसे कि बनाया जाता है वो सब भी लेके गई थी। और जब वो इंटरव्यू देके निकली तो मैंने पूछा था कि कैसा गया, तो टीचर्स बहुत खुश हुए थे, क्योंकि वो इसलिए खुश हुए थे कि हाँ उन्हें ये सब का भी नॉलेज है, क्योंकि ये सब का नॉलेज, हर तरह का नॉलेज, जैसे कि पेंटिंग है तो पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, बहुत सारी अलग अलग तरह की पेंटिंग्स होती है, तो खुश इसलिए हुए थे कि हाँ उन्हें ये सब चीज़ों के, ये सब फील्ड के बारे में भी नॉलेज है अलग अलग, ये नहीं कि सिर्फ स्टिल लाइफ का और सिर्फ वाटर कलर का ही नॉलेज है, नहीं, अलग अलग चीज़ों का भी नॉलेज है उन्हें। तो इससे तो यहाँ पे यही बात है कि मतलब जितना ज़्यादा आप काम लेके जाए, जितना ज़्यादा आप अलग अलग मीडिया पे वर्क लेके जाए, वो लोग वहाँ पे टीचर्स देखते कि आपको आपके पास कितना नॉलेज है, आपको कितना आता है, ठीक है, कितनी चीज़ों की जानकारी है आपको। तो बस यही रहता है इंटरव्यू में, तो बस आपका पोर्टफोलियो जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितना अच्छा रहेगा पोर्टफोलियो इंप्रेशन उतना अच्छा जमेगा। और हाँ, आप कॉन्फिडेंट रहिएगा जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा, आपसे नाम, कहाँ के हैं, ये सब पूछेंगे, और आपसे ये पूछेंगे कि जो आपने जो भी वर्क आप लेके जा रहे हो उस वर्क को आपने कैसे बनाया, कहाँ से कुछ रेफरेंस लिया है तो कहाँ से लिया है, या फिर कोई अलग वर्क है आपका तो उसका टाइटल क्या है, इस पेंटिंग में क्या अलग दिख रहा है आपको, तो आपके ही वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी आप पेंटिंग बनाएंगे उसी पेंटिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ इस पेंटिंग को बनाया है तो कितना टाइम दिया है आपने इस पेंटिंग पे, तो उस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप कोई पेंटिंग करते हैं, अपना पेंटिंग लेके जाते हो, तो आपको तो इतना तो आइडिया होगा कि आपने उसमें कैसे कैसे क्या बनाया है, तो आप इजीली बता दोगे। तो बस यही सब क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू में शांतिनिकेतन के। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं देन आपका एडमिशन होता है, और उसके बाद तो फिर प्रोसेस होता है कि हाँ इस डेट निकलती है एडमिशन की, हाँ इस डेट में एडमिशन होना है। तो बस इसी तरीके से होता है शांतिनिकेतन का, उसके बाद पोर्टफोलियो बनता है, पोर्टफोलियो पाता है, वो सब बात की प्रोसेस है। तो बस फर्स्ट दिन बेसिकली आपका एग्ज़ाम होगा, सेकेंड दिन अलाउंस कर दिया जाएगा कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद थर्ड दिन इंटरव्यू होगा। और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत लोग होते हैं जो एग्ज़ाम क्रैप करने के बाद इंटरव्यू में नहीं हो पाता है, तो ऐसा भी है, ठीक है। और यहाँ पे कि शांतिनिकेतन में बहुत कम सीट होती है, यहाँ पे 45-50 अप्रोक्स सीट होती है, बहुत ही कम सीट होती है, ठीक है। यहाँ पे पेड सीट भी नहीं होता है, जैसे कि आप लोग पूछते हो कि हाँ जैसे BHU में पेड सीट होता है, यहाँ पे शांतिनिकेतन में पेड सीट नहीं होता है, सिर्फ 45 या 50 बच्चे जो सीट होती है उतने ही कवरअप करते हैं, उतने ही बच्चों को लेते हैं 10 से, और जो भी फ़ी है उनका वो सारी चीज़ें रहती है। तो बस यही इंटरव्यू होता है, और ऐसे ही आपको अगर आप जाए तो बस आप भी ऐसे ही प्रिपेयर होके जाए फुल्ली। और जो पहला इसके प्रीवियस वीडियो है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, शेयर कर दूँगी, आप एक बार देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतने ही, एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, आपके लिए ओपन है ही। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहें। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, अपना ख्याल रखें, नमस्ते।